एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे। तो ये देखो, पतिदेव जी शॉपिंग करके ला दिए हैं, क्योंकि जाना है फिर हम लोग को कहीं पार्टी में। इसके लिए जॉकी का क्या लाए हैं आप? अच्छा, जो पहने हैं वो भी तो जॉकी का ही है ना, क्योंकि आप ज्यादा जॉकी ही पहनना पसंद करते हैं। जॉकी कैसा ही रहता है, अच्छा लगता है जो लाए होंगे। और ये चलते फिरते हम खरीद लिए हैं। ये क्या है? ये टी शर्ट ठीक है, पहन के देखें, अच्छा लग रहा है। और क्या लाए हैं? शर्ट नहीं लाए हैं, टी-शर्ट और जींस। अच्छा अच्छा, इसी टाइप का तो जींस बोल रहे थे आप, इसी टाइप का जींस लाए थे। और इस बच्चे को लगी है जोर से भूख। अरे ये मोबाइल चलाते रह तो ये दूध मांग रहा था, ये खाली दूध है। और गाइस पता है, आज अभी 3:30 होने जा रहा है और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, मतलब दोपहर या शाम जो भी बोलो, 3:30, और मैं अभी तक नहाई हूँ। रीजन ये है कि मैं कल नहाई नहीं हूँ। कल मैं आई थी सचिन मणि से घर से, वैसे ही सारा सामान हम लोग शाम में आए तो वैसे ही पड़ा रहा। आज सुबह से सारा पैकिंग तो दूर, हम लोग सब ट्रॉली में से सामान निकाल के पूरे घर में झाड़ू पोछा सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से मैं की। और फिर मैं क्या ही बताऊँ, सब कुछ समेटी, अब जाके फिर मैं थोड़ी देर के बाद रेस्ट करूँगी, खाना पीना खाने के बाद पैकिंग करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हम लोगों को जाना है जिया शाश्वत रॉय के यहाँ, और 21 को उनके यहाँ पार्टी है, तो हम लोग 20 को जा रहे हैं, रात में पहुँचेंगे। तो देखो ठीक है, दूध दे रही हूँ। तो ये अपना ड्रेस पहन लिए हैं और इनकी मम्मी बोली है कि बैंड बजा जैसा लग रहा है। तो ये अपना ड्रेस पहन के मुझे दिखा रहे थे, घर में सबको दिखा रहे हैं, तो मम्मी को थोड़ा सा नहीं पसंद आया, बाकी मुझे तो लुक लाइक के हिसाब से सही लग रहा है। जिस टाइप का आजकल उटपटांग कपड़ा चल रहा है, सब लोग उल्टा सीधा ही कपड़ा पहनना पसंद कर रहे हैं, तो इनका तो मुझे कोई खराबी नहीं लगा, ठीक लग रहा है। बाकी यही पार्टी में पहनने वाले हैं आप? दीजिए फोटो खींच कर बताती हूँ कैसा लग रहा है। जींस भी स्टाइलिश। तो गाइज अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ आप खुद ही बता दो। ये है आटा और प्याज और टमाटर और मिर्च, हल्दी, नमक, ये सब डाल के घोल तैयार की, उसके बाद इसका तवा पर इसको बना रही हूँ मैं। शाम का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ छाछ आटा वाला, जो उसमें प्याज और टमाटर डाल के बनाते हैं, तो मेरा फेवरेट है। मैं जब भी कुछ समझ में नहीं आता है क्या मैं खाऊँ, तो भाई मैं बना लेता हूँ अपने लिए। तो अभी मैं बना रही हूँ, फिर मैं खाऊंगी, एंड देन मैं कुछ कपड़ा डाली हूँ धोने के लिए, कपड़ा वगैरह धोऊंगी, फिर मेरा पैकिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी मेरा पैकिंग हुआ नहीं है। अभी मेरा जो ड्रेस मैं पार्टी में पहनूंगी उसको फिटिंग करना है, एंड बहुत सारे सूट आयरन करने हैं, तो बहुत सारे काम बाकी हैं। अभी 8 बज रहा है, ठीक है, तो चलते हैं पहले किचन में। तो यहाँ पर हमारी पैकिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आप सबको भी पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं इसका ज़्यादा सूट तो नहीं कर पाई हूँ, बट थोड़ा बहुत मैं वीडियोस बना ली हूँ ताकि हाँ आपको भी पता चल जाए। ये कल रात का ही ब्लॉग है, लेकिन मैं आज पोस्ट कर रही हूँ और मेरा पैकिंग स्टार्ट हो गया। 1-2 साड़ी रखूँगी, सूट रखूँगी आने जाने के लिए, और जो पार्टी में पहनना होगा वो वाला ड्रेस रखूँगी, और हस्बैंड का जो ड्रेस होगा वो रखूँगी, जो अथर्व का होगा वो रखूँगी, और एक दूसरे बैग में खाने पीने वाला सामान और जो भी ब्रश वगैरह होगा, मतलब जो भी सारी चीज़ें होगी वो रखूँगी, क्योंकि हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, इस बार कार से नहीं जाएंगे। 9 घंटे का रास्ता है भाई बक्सर से कटिहार, तो अपनी गाड़ी से जाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग ट्रेन से ही जाएंगे। ट्रेन का टिकट जस्ट कल हम लोग कराएं तत्काल में, और 2 दिन में मेरा कंफर्म भी हो गया, तो 2 दिन में कंफर्म हो गया। अच्छा है गाइज, आप मेरा रूम देख के इग्नोर करना, क्योंकि पीछे जो मोटरी दिख रहा है ना बेडशीट में, मैं सारा पार्सल भर के रखी हूँ, जो भी प्रमोशनल ड्रेसेज आते हैं मेरे, जो भी कोलाब्रेशन के ड्रेसेज आते हैं, उन सब का भी मैं रोक के रखी हूँ, क्योंकि मैं अभी घूम रही हूँ इधर से उधर, तो उन सबको मोटरी में बांध के रख दी हूँ, जब आऊँगी तब अच्छे से करूँगी, क्योंकि मैं घर पे नहीं रह रही हूँ आजकल। हो गया था और अभी सुबह के 10 बज गए, हम लोग निकलने वाले हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं जी घर जाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमारा पटना ट्रेन है, या बक्सर से पटना जाएंगे और फिर कटिहार। अभी मैं बक्सर स्टेशन पे आ गई हूँ घर से निकल के, और यहाँ पर मैं आके
और पतिदेव पटना के लिए टिकट लेंगे क्योंकि हम लोग सबसे पहले यहाँ से पटना जाएंगे और पटना से कटिहार, तो कटिहार का ही हमारा रिजर्वेशन है, पटना से कटिहार का रिजर्वेशन है। 2 बजे से ट्रेन है हमारा, पटना तक का तो कोई भी अपना टिकट लेकर चले जाएंगे हम लोग। कहाँ? हाँ अपन बहुत सारे मंकी हैं। हाँ तो खुश हो ना तुम, ट्रेन में बैठ के जाओगे? रोज देखते थे ट्रेन? मत गोल गोल मत घूमो बेटा, आ रही है ट्रेन। बहुत सारा मंकी है, बहुत सारे हैं। तो अभी मैं सूट पहन के जा रही हूँ, मैं मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम जीन्स पहन लेना, लेकिन तो मैं उनसे ना लड़ रही थी कि खरीदते नहीं है, बस बोलते हैं ये पहन लेना वो पहन लेना। बाबू बाबू और मजा आ रहा है? हाँ बहुत दिन बाद बैठ रहे हैं ना हम लोग। गाइस अभी हम लोग पटना जंक्शन आ गए हैं, ये देखो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ है। पटना में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे घर आइए मेरे घर आइए, कुछ लोग जान पहचान के हैं, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम लोग बस आधा घंटा टाइम है, आधा घंटे में हमारी ट्रेन आ जाएगी कटिहार वाली, तो चले चल रहे हैं हम लोग, मिलते हैं कटिहार में बहुत सारे यूट्यूबर से एनिवर्सरी में। ये तो गाइज अभी हम लोग पटना में हैं और पटना टू कटिहार का हमारा रिजर्वेशन था आज का, सो ये हमें सीट मिला है 33, 35, 35, 3 लोगों का, तीनों एक सेम है, अच्छा है साथ में मिला, हम लोग टेंशन में थे कहीं ऐसा ना हो कि एक लोगों का यहाँ मिल जाए एक लोगों का वहाँ मिल जाए, लेकिन तीनों एक साथ मिला है। अब आराम से अभी 2 बजे ये ट्रेन खुलेगी, हम लोग 1:30 बजे तक पटना पहुँच गए हैं, 2 बजे खुलेगी और रात के 9 बजे हम कटिहार पहुँचेंगे। अब आराम से एक ही ट्रेन में बैठे खाए पिए और 9 बजे पहुँचेंगे जी एस आर सुबह। हेलो 10:10 बजे उन्हीं को बोलेंगे आप। तो अभी चलते हैं बाहर सर सर्व के लिए कुछ खरीद देते हैं खाने के लिए, क्योंकि ये दुकान देखता है ना तो इसका मतलब वही डिमांड होता है, चलो कुछ खरीदने खरीदो खाने पीने के लिए। ज्यादा छोड़ो उतना मत, आप जाइए आप खरीदिए। सुनो ना हेलो तो मैं आ रहा हूँ लेकर, तो मैं अभी अमरूद लेने जा रहा हूँ, इनको खाने का मन कर रहा है अभी लेकर आ रहा हूँ जस्ट, तब तक तुम जो है अपना काम करती रहो। व्हाट? नहीं देखो सामने एक गुआवा दिख रहा है और इस गुआवा को देख के ना मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है, गुआवा मेरा फेवरेट है, मुझे चाहिए ही चाहिए। तुम्हारा फेवरेट? सब कुछ फेवरेट है, वो खाओ ना जो इसको चिप्स और कुरकुरे फेवरेट है इसका। एक मुझे भी दो। अभी मैं ट्रेन में हूँ और ट्रेन में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर का साउंड आएगा तो आप लोग इग्नोर करना। और मेरा फेवरेट चीज़ खरीदने गए हैं पतिदेव गुआवा, मेरा तो फेवरेट है, किसका किसका फेवरेट है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं अथर मेरे हस्बैंड और शिवानी हम लोग साथ में जा रहे हैं सब लोग, और बस बहुत इंजॉय करते हुए मस्ती करते हुए जा रहे हैं। मैं ज़्यादा सफ़र करना पसंद नहीं करती हूँ लेकिन फिर भी कभी कभी मन कर देता है तो आदमी चला ही जाता है। और मैं बता दूँ आपको लास्ट में कब गई थी ट्रेन में, जब जिया के यहाँ कटिहार गई थी उसी टाइम गई थी, क्योंकि हमको कहीं भी जाना होता है तो हम खुद की गाड़ी से चले जाते हैं। तो ये जो एक अमरूद है ये एक रसगुल्ले से भी ज़्यादा महंगा है, ये 15 रुपये का पर पीस। और ऐसा ऐसा अमरूद हम अपने गाँव में ना रोज तोड़ के इतना इतना खाते थे, दूसरे के पेड़ पर से तोड़ के खा लेते थे। बताओ बहुत महंगा, लेकिन मुझे देख के अच्छा लग रहा है, बंद कर दो तुम। तो गाइस जब भी जिया का फोन आया था कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि हम लोग कितने बजे निकले थे,
10:30 घर से निकले थे, 10:30 में स्टेशन। फिर तो मैं उनको बताई कि हम लोग के आने में रात हो जाएगा, क्योंकि उनके यहाँ कुछ लोग आज आ रहे हैं, कुछ लोग कल आ रहे हैं, तो हम लोग आज पहुँचेंगे लेकिन रात में पहुँचेंगे, थोड़ा सा लेट पहुँचेंगे। चलो ठीक है, फिर आज मैं विदाउट मेकअप हूँ, ये देखो, क्योंकि ट्रेन में कोई मतलब नहीं है मेकअप करने का। मेकअप तो होगा नहीं, मेकअप तो होगा कल। सबसे अच्छा चीज़ की है कि आज हम प्रमोशनल ड्रेस नहीं पहन के आए हैं, नहीं तो प्रमोशन का शूट या साड़ी पहन के आती हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि टेंशन होती है, उनका वीडियोज़ बनाओ, फोटो डालो, और आज अपना खुद का मतलब